यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 5 वनडे मैचों की सीरीज के चौथे वनडे मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड टीम के इस फैसले को तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने दोनों सलामी बल्लेबाज को 20 रन से पहले पवेलियन भेजकर सही ठहराया। इस मैच में शुभमन गिल का डेब्यू किया गया, लेकिन शुभमन गिल अपने पहले डेब्यू मैच में मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ट्रेंट बोल्ट ने इस मैच में भारतीय टीम को 4 शुरुआती झटके देकर झकझोर दिया। दूसरी तरफ से कोलिन डी ग्रेनहोम ने भी खतरनाक गेंदबाजी किया। उन्होंने रायडू और कार्तिक को 0 रन के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाकर भारतीय टीम के मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया। इस मैच में बोल्ट ने 5 विकेट जबकि कोलिन डी ग्रेनहोम ने 3 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम इस मैच में मात्र 92 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसी के साथ इस मैच में 5 बड़े रिकॉर्ड टूटे, तो चलिए जानते हैं कि वो रिकॉर्ड कौन सी हैं। तो चलिए हम अपने पहले रिकॉर्ड पर आते हैं। इस मैच में ट्रेंट बोल्ट ने बेहद ही घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की तरफ से वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में पूर्व खिलाड़ी स्कॉट स्टोइरिस का पीछे छोड़ दिया है। अब हम अपने दूसरे रिकॉर्ड पर आते हैं। भारत के खिलाफ ट्रेंट बोल्ट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2 विकेट पे 25 रन था। उन्होंने अपने इस पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ नया कीर्तिमान 5 विकेट पे 21 स्थापित किया है। रिकॉर्ड नंबर 3, हार्दिक पांड्या ने वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में आर अश्विन को पीछे छोड़ा। आर अश्विन ने वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से 675 रन बनाए हैं। रिकॉर्ड नंबर 4, पिछले 10 वनडे मैचों में यह पहला मौका है जब भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। रिकॉर्ड नंबर 5, कोलिन डी ग्रेनहोम ने वनडे क्रिकेट में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2 विकेट पे 40 को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। कोलिन डी ग्रेनहोम ने इस मैच में बहुत ही दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ उसी के सरजमी पर अपने न्यूनतम स्कोर पर आउट हुई है। भारतीय टीम का इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ उसी की सरजमी पर न्यूनतम स्कोर 105 रन था। आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड का न्यूनतम स्कोर भारत के विरुद्ध 79 रन है।